हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को और मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में लेके हाजिर हूँ साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज नंबर 4। और इस सीरीज़ में हम सभी वो क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने इंक्लूड किए हैं जो हरियाणा पुलिस के एग्जाम में जो 31 मार्च को हुआ था उसमें इंक्लूड किए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने VLDD का जो अभी अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें से उठाए हैं। तो मिक्सअप करके सीरीज स्टार्ट की है बच्चों। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और वहाँ ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में टाइम टू टाइम नोटिस और अपडेट मिलते रहे। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। तो सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं। तो बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड की तरह काम करते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों ऑक्साइड्स की तरह काम करते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिंपल भाषा में कहूं तो ये वो ऑक्साइड है जो एसिडिक मीडियम को और बेसिक मीडियम को, ठीक है, यानी अम्लीय जो सॉल्यूशन है, विलयन है, और क्षारीय विलयन है, दोनों को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, दोनों को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कुछ मेटल्स है जो बनाती हैं, जैसे जिंक की बात करते हैं, ZN, ठीक है, और टिन यानी PB, ठीक है, लेड, सीसा, ठीक है बच्चों, इसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, AL और बेरिलियम। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आप इसके हिसाब से एक बार फटाफट से आप दे दीजिए ताकि आप लोगों का भी आंसर, आप लोगों को गैस करना चाहिए इसके हिसाब से। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो मेरे साथियों, शाबाश। तो भाई, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, Al2O3। ठीक है, ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बच्चों, जो एक एसिड की तरह भी काम करता है और एक बेस की तरह भी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सर्वाधिक सफल और बृहत रूप से प्रयोग की जाने वाली कृत्रिम शक्कर हैं जो मोटे तौर पर गन्ने की शक्कर से 100 गुना अधिक मीठी होती हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड इज आर्टिफिशियल शुगर एंड विच इज रफली 100 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। बस इसी तरह से जवाब देते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है ना बच्चों। शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, फटाफट से बस इसी तरह से आंसर देते रहिएगा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए। उस शुगर को हम क्या कहते हैं? एस्पार्टेरम या एलाइटेम। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, एस्पार्टेम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एस्पार्टेम। ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन नंबर 3। प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट के संलयन से कौन सा साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड उत्पन्न होता है? विच साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड साइटोप्लास्ट। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का, शाबाश मेरे साथियों, शाबाश, वेरी गुड भाई। बस इसी तरह से आंसर देते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों को आंसर हर एक तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बच्चों जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, साइब्रिड। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, साइब्रिड। और साइब्रिड है या बच्चों साइटोप्लाज्मिक जो हाइब्रिड हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में
यूकैरियोटिक सेल लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए सेल, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल लाइंस होती हैं जो फ्यूजन ऑफ सेल्स के द्वारा क्या होती है बच्चों, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, न्यूक्लियर डोनर होती हैं। क्या होती हैं, न्यूक्लियर डोनर होती हैं। और ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ आ गई है, वेरी बेटर, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट। यूनिट के साथ इसमें क्या आएगा भाई, वो फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है, फटाफट से आंसर देते जाओ, शाबाश। शाबाश बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट, यानी अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है उसको कहते हैं गतिशीलता यानी मोबिलिटी। क्या कहते हैं उसको, गतिशीलता यानी मोबिलिटी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अवतरण है, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वॉटर सेड इज, फटाफट से आंसर दे दो भाई, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वॉटर सेड। शाबाश बच्चों, शाबाश। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है और आप इसका आंसर दे सकते हो बच्चों, फटाफट से आंसर देते चाहिए भाई। जी बच्चों, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथ की, वो रहेगा ऑप्शन डी, इकोर्निया क्रोसिप्स, इकोर्निया क्रिसिप्स, ठीक है। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है जी, ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बादलों के कौन से प्रकार रुई के समान दिखते हैं, विच टाइप्स ऑफ क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन, तो फटाफट से आंसर दे दो भाई, किस तरह के जो क्लाउड्स हैं हमें कॉटन की तरह दिखाई देते हैं, फटाफट से आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का। शाबाश बच्चों, और ये क्वेश्चन है ना बच्चों, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। किस तरह का है, यूपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन है उसको हम क्या कहते हैं भाई, यहां से अच्छे अच्छे गजब गजब के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं बच्चों। जी बिल्कुल, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, वो रहेगा मेरे साथियों ऑप्शन बी, क्यूमुलस, क्यूमुलस, क्यूम्यू लेस, ठीक है। वैसे हमें पता है भाई जो क्लाउड्स हैं वो चार तरह के होंगे, एक तो होता है आपका साइरस, ठीक है, दूसरा होता है आपका स्ट्रेटस, तीसरा होता है क्यूमुलस और चौथा होता है बच्चों एस्ट्रोट्स, चार तरह के होते हैं, ठीक है। तो जो साइरस हैं बच्चों ये क्या है, डेलिकेटेड होता है, फिदरी क्लाउड्स होते हैं जो मोस्टली आइस क्रिस्टल्स के बने हुए होते हैं और विस्पी शेप में होते हैं, कम्स फ्रॉम विंड करंट। इसके बाद है नेक्स्ट जो बच्चों है आपका स्ट्रेटस, वो क्या होता है, ये क्लाउड्स हैं बच्चों पतले होंगे, वाइट सीट्स की तरह दिखेंगे हमें, जो पूरे के पूरे आसमान को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और जो क्यूमुलस हैं ये आपको मैंने बता ही दिया, वाइट कॉटन बॉल्स की तरह हमें स्काई में आसमान में दिखाई देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दाद के कारक हैं रिंग वॉर्म कोज, दाद किसके कारण होती है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। शाबाश मेरे साथियों, उम्मीद है आप लोगों को सारी की सारी जो क्लासेस हैं पसंद आ रही हैं। तो बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही है ना तो लास्ट में लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो और ये ना बच्चों अब देखो, दाद है, खाज है, खुजली है, ये किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है।
ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही। क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है बच्चों। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कृषकों के मित्र हैं, फार्मर के जो फ्रेंड हैं वो कौन से हैं भाई? मछलियां हैं, कुत्ता है, तिलचट्टा है या केंचुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो। आप लोगों को ये क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो जो फार्मर है भाई, किसानों का जो मित्र कहा जाता है वो केंचुए को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मिट्टी में अवशिष्ट होते हैं उनको ये क्या कर देता है? डीकम्पोज करके और मिट्टी में मिला देता है, और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, यानी जो उत्पादन क्षमता है उसको क्या करता है? बढ़ाता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की भिन्नता किसके कारण होती है? व्हाट इज द डिफरेंस इन इंसुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो भी टॉपिक वाइज क्लास आपको प्रोवाइड करें, तो बच्चों एक बार आप थोड़ा सा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए 8th, 9th और 10th की साइंस को टॉपिक वाइज कवर करवाने की, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर आपको टॉपिक वाइज करनी है तो भी करवा देंगे, बट साइंस की जो सीरीज है ये तो देखो चलती ही रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी भाई। जो पृथ्वी सतह पर सूर्य के ताप की जो भिन्नता होती है वो होती है सूर्य की किरणों का नतकोण यानी डिप एंगल के कारण, ठीक है, अपनी दूरी पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण और दिन की लंबाई के कारण। ये सभी ऑप्शंस पे डिपेंड करेगी भाई, इस धरती पे सूर्य का जो ताप है वो कितना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। वह पेशीय तंतु जो दोनों सिरों पर सुंडाकार यानी फ्यूजीफॉर्म होते हैं और धारियां नहीं दिखाते, उनको हम कौन से तंतु कहेंगे बच्चों? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगा दीजिएगा। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस है मेरे साथियों। और ये मैं ना आपको एक बात कहूं कि जो क्वेश्चंस यहां जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करवा रखे हैं ना बच्चों, अगर उन प्रैक्टिस सेट को आप देखोगे ना तो उनमें जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं वो लगभग लगभग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां तक कि हमने बायोलॉजी जो 10th क्लास की है उसको हमने टॉपिक वाइज भी उसके एमसीक्यूज करवा रखे हैं बच्चों, ठीक है। वो भी आपको प्लेलिस्ट में अपडेट करवा दूंगा एनसीईआरटी 10th क्लास एमसीक्यू के नाम से, ठीक है, टेंशन ना लेना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का वो रहेगा ऑप्शन बी, मृदु पेशी। मृदु पेशी है बच्चों, इसके दोनों सिरों कौन से होते हैं? सुंडाकार होते हैं और इसके ऊपर धारियां नहीं दिखती। उसके बाद ये मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। टिंडिया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? लॉक्सटस कम अंडर विच स्पीसीज? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिएगा जी क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ नहीं दे रहा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा हूँ। और आप इस वीडियो क्लास को अगर रिकॉर्डेड देखते हो यानी बाद में देखते हो, डाउनलोड करके देखते हो, तो डबल स्पीड पे देख सकते हो और दो बार क्लास देख लेना बच्चों, क्वेश्चन के आंसर सभी लर्न आपको हो जाएंगे। तो 11th क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन ए, ऑर्थोप्टेरा। क्या रहेगा? ऑर्थोप्टेरा। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन बड़ा गजब का है। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? रेशम, कपास, जूट या नन ऑफ दीज? तो फटाफट से आंसर दे दीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का। शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही, कि जो जूट है ना बच्चों, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ब्राउन कलर की चमक होती है और ये सबसे अफोर्डेबल होता है, नेचुरल फाइबर होता है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
13 मोलस्का के मुंह में भोजन के लिए फाइल जैसी रेस्पिंग होता है जिसे कहा जाता है. मोलस्का हैज ए फाइल लाइक रेस्पिंग फॉर फूड इन इट्स माउथ विच इज अ कॉल्ड. उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए, फटाफट से आंसर दे दो. शाबाश क्वेश्चन नंबर 13 का. तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन ए. उसको हम क्या कहते हैं? रेड्यूला कहते हैं. क्या कहते हैं? रेड्यूला कहते हैं. ठीक है, उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे. विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो क्या रहेगा? नींबू, केला, फूल गोभी या गाजर. क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए जी. शाबाश. तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, गाजर. गाजर को क्या माना जाता है? विटामिन ए का इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है. और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिए बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15. मल्टीपल राइबोसोम्स कैन बाइंड टू ए सिंगल mRNA टू फॉर्म ए चेन कॉल्ड. ये कहता है भाई जो कई राइबोसोम हैं वो एक एकल mRNA से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, तो उस श्रृंखला को क्या कहते हैं? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए जी क्वेश्चन नंबर 15 का. शाबाश. तो बच्चों जब mRNA, ठीक है, एकल mRNA जुड़कर, ठीक है, जब क्या करते हैं? एक श्रृंखला बनाते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों पॉलीसोम. क्या कहते हैं? पॉलीसोम. क्या कहते हैं? पॉलीसोम. ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही. उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे. निम्नलिखित में से कौन सा सरल अवेल पुषप कर्म का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एम्बल इनफ्लोरोसेंस. तो फटाफट से आंसर दे दीजिए बच्चों क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का. शाबाश बच्चों, वेरी गुड. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी. क्या रहेगा बच्चों? प्याज यानी ओनियन. ओनियन क्या है? एक एग्जांपल है सिंपल एम्बल इनफ्लोरोसेंस का. उसके बाद ये मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे. कौन सा उत्तक विकासशील पराग कणों को भोजन की आपूर्ति करता है? विच टिश्यू सप्लाइज फूड टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. तो फटाफट से आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 17 का. शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाई. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन बी. क्या रहेगा? ऑप्शन बी, टैप्टम. क्या रहेगा? ऑप्शन बी, टैप्टम. उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे. बड़ा गजब का क्वेश्चन है. एक उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है कि फोकल लेंथ इसने हमसे पूछ ली और रेडियस उसकी क्या है हमें दे रखी है. तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर एक बार फटाफट से दे दीजिए बच्चों. तो आप लोगों को मैंने एक ना फॉर्मूला बताया था कि एफ है, एफ इज इक्वल टू होता है आर बाय टू, रेडियस बाय टू. ठीक है, तो 32 बटे दो करेंगे तो उससे फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों? 16 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही. ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना, मेल कांस्टेबल का, उसमें ये क्वेश्चन सारे आए हुए थे बच्चे. और अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं VLDD एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है द थिन मेटालिक वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ. कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट का जो वायर होता है मेटालिक वायर, ठीक है, वो किससे बना हुआ होता है बच्चों? कॉपर, सिल्वर, टंगस्टन से. फटाफट से आंसर दे दो. शाबाश. तो बच्चे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, टंगस्टन का बना हुआ होता है. और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? हाई होता है. ठीक है, कितना होता है ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में. तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर. तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों इसका. तो बच्चे इस चीज को, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. इसने कहा 360 ग्राम ऑफ वाटर है ना, ठीक है, तो वो क्या है उसकी बात कर रहे हैं भाई, वो कितने उस मॉलिक्यूल्स के अमाउंट को दिखाएगा. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर है ना, वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है बच्चे 18 ग्राम
ठीक है, मोल पर मोल, ठीक है, इतना होता है। तो इसने 360 ग्राम दिया, तो 360 ग्राम में कितना हो जाएगा भाई, 18 से भाग कर दो, यानी ये हो जाएगा 20 मोल्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 मोल्स, यानी ऑप्शन दूसरा ठीक है। इसके साथ साथ नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें भी इन्होंने एक रिलेशन बना रखा है। वो रिलेशन क्या बना रखा है भाई, अगर हम बात करते हैं 1 मोल की, किसकी करते हैं 1 मोल की, तो 1 मोल बराबर होता है किसके, 6.023 × में 10^23 के। ठीक है, अब ये 20 मोल है, इससे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये चौथा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश, फटाफट से आंसर देते जाइए भाई। वेरी गुड बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे बच्चों, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है किसमें बच्चों, हमारे यूनिवर्स में, कहाँ है, हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, और क्या होता है बच्चों, एक प्रोटॉन। ठीक है, समझ गए। और ये जो एलिमेंट है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, समझ गए बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये फर्स्ट है और हीलियम सेकंड है बच्चों, ध्यान रख लेना। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हाइड्रोजन फर्स्ट है और हीलियम कौन सा है, सेकंड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइबर कैच फायर लेस्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे कम आग पकड़ता है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कॉटन। कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है, जो कम, सबसे कम आग पकड़ता है, सबसे कम आग पकड़ता है। और ये जो फाइबर है ना बच्चों, पॉलीमर होता है ये किसका, ग्लूकोज का। कॉटन इज नेचुरल फाइबर विच इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ओके। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी बच्चों, एक बार सोचिए और फिर आंसर दीजिए, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसमें सारी बातें आपको याद रह जाएगी। ठीक है, शाबाश। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी, ठीक है, वो की थी बच्चों जे थॉमसन ने। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। कब की थी, 1897 में। कब की थी बच्चे, 1897 में। ट्रिक क्या है, याद रखनी है ईंट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन थॉमसन, टी फॉर थॉमसन, पै प्रोटॉन, आर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ऑप्शन में ना मिले तो ई गोल्डस्टीन, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ई गोल्डस्टीन को प्रेफरेंस देंगे, न न्यूट्रॉन और चे चेडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, और प्रोटॉन की किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने, बट जो हमारी एनसीईआरटी है वो कहती है रदरफोर्ड, बट जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के जो बोर्ड हैं वो मानते हैं गोल्डस्टीन को। एसएससी एचएसएससी किसको मानती है, गोल्डस्टीन को। ठीक है, समझ गए मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे, ZnO प्लस CO, ZN प्लस CO2, इन दिस रिएक्शन विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, किस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ है जिसका अपचयन हुआ है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, अपचयन हुआ है, रेड्यूस हुआ है। रेड्यूस कौन सा एलिमेंट होगा बच्चों, जहां से ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहां देखो ऑक्सीजन किससे हटाएं, जिंक से हटाएं, तो रेड्यूस कौन सा हुआ है, ZnO हुआ है। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। और यहां CO के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ा है, जुड़ा है तो ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये एक तरह की कौन सी रिएक्शन है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर डज जिप्सम लूज
वाटर मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। तो बच्चों फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे साथियों। और जो सबसे पहली बात ये है कि हम जिप्सम को गर्म करेंगे, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या करेगा कि जो जिप्सम के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसका 3/4 हिस्सा ये लूज कर देगा, उससे क्या बनेगा बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब यहाँ टेम्परेचर किस में, केल्विन में, तो केल्विन में टेम्परेचर करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं तो 373 केल्विन क्या आएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। और बच्चों वीडियो के बारे में यही आज के हमारे क्वेश्चंस थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और बच्चों वीडियो के बारे में जो आपके दिल और दिमाग में जो ख्याल हैं, ठीक है, यानी दिमाग में, दिल तो कुछ नहीं होता, दिल तो अपना काम करता है, दिमाग में जो ख्याल है वीडियो कैसी लगी जरूर बताना भी कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो अच्छा अच्छा लिख देना, अगर आप किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हो तो जरूर देना भाई, अगर कहीं कोई कमी है, ठीक है, तो उसको हम दूर करेंगे, ठीक है ना। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर हमने कोई सजेशन दिया तो सर बुरा मान जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है, हम सीखने के लिए तैयार हैं और आप अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा अच्छा लिख देना, ठीक है, किसी तरह की कोई कमी लगी है तो वो भी मेंशन कर देना बच्चों, हम उसको जरूर इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और अगर आप लोगों को भाई हमारी पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा सहयोग आपको भी करना है, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, बस इतना सा सहयोग ही आपको करना है। और अब मिलेंगे भी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।